तुम कहां गए रोहितास की लाश को गोद में उठा था तारा बोली बेटा तारा जब रोई है महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी करते थे हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी है तो लाठी उठाई सामने पहुंचे बोले नहीं मालूम स्मर घट पर कोई रखवाला भी रहता है और बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जानता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली और तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंचे। जैसी तारा को देखा तो होश उड़ गए। तारा तुम क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो एक बात की तारा माफ करना बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी। फिर मेरे महाराज का हुक्म है पहले आप मुझे टका दे दो। तारा कहती महाराज जी आप कह रहे हैं क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो लेकिन याद करो पुरानी तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे था तू मेरे ताला थी नरेरी मारे घट में और रोवे तारा ना कुमारो ना मेरे तो याद करो पुरानी काशी में आई बिके छुपे सब नामे करे नौकरी सब नदरे हमरे पे तुम तका बच्चे की लाश तब जलेगी पहले तुम हमें टका दे दो। तारा कहती है महाराज अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो कोई बात नहीं पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितांश की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर भी होश हो गए। होश आया तो वही बात गई तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने तारा जो आधी साड़ी को पहने है टका के बदले में उस साड़ी को ही खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी। तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है।